अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सलाम है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक जगह पे मैं स्टक हो गया था, तो मैंने सब उनसे हेल्प की। मैंने तो प्रॉब्लम ये था कि जब हम प्रोफाइल चीज हमने एडिट करना था प्रोफाइल यूजर की, तो मैं यहाँ से URL में ID भेज रहा था और उसको वहाँ पर एडिट करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे कहीं पर गलती हो गई थी। जब हम इसको क्लिक करते थे प्रोफाइल की, तो ये यूज़र ID से वो लॉग इन, और फिर यहाँ पे हमारे पास URL में ID आती थी, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड को हमने गेट करता था, तो गेट करने में हमें प्रॉब्लम आ रहा। तो उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हमने लॉग इन जहाँ कर रहे थे वहाँ पे यूज़र रो के नाम से एक सेशन क्रिएट किया, और उसमें उस रिकॉर्ड पूरी रो को हमने वहाँ उसमें सेव करवाया, यूज़र नेम और पासवर्ड रो को हमने जो आ रहा था हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि प्रोफाइल पेज पे हम ये कह रहे थे कि हम प्रोफाइल पेज पे जब जो हमने सेशन से टेबल क्रिएट किया था, उसकी जो ID जो है जो यहाँ पे हमें सेशन के थ्रू हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा रहे थे, ID के लेवल में यहाँ पे सेशन की जो ID थी वो यहाँ पे स्टोर कर ली, और उसको जब अपडेट कर रहे थे तो हमें यहाँ पे शो कर रहा था वे ID भी कुछ दिया गया है, और जो पोस्ट कर रहे थे यहाँ यूज़र जो पोस्ट कर रहा था वो अपडेट कर रहे थे। अच्छा, अपडेट हो गया। उसके बाद ये मसला था कि अपडेट होने के बाद यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा था, ये जो फील्ड है ना इनपुट फील्ड यहाँ पे, तो उसका हमने हल ये निकाला कि जो रोट यूज़र थी उसके परफॉर्मिंग जो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह जो भी था, तो जब डाटा हम इंटर कर रहे थे, जो भी हम इंटर कर रहे थे अपडेट करने के लिए, वो डाटा जो है यहाँ पे हम सेव कर, जब हम यहाँ पे सेव करा दें तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको शो करता है। तो क्या हम सारा डाटा अल्लाह हाफिज़।